अहमदाबाद में साबरमती के तट पर स्थित गांधी आश्रम 1917 से 1930 के बीच गांधी जी की कर्मभूमि रहा। यहीं से गांधी जी ने रचनात्मक कार्य, शिक्षा और सत्याग्रह के प्रयोग किए। यह आश्रम भारत की स्वतंत्रता की खोज का एक महत्वपूर्ण आधार बना। आश्रम की अनुशासित, सरल और प्रमाणित वास्तुकला गांधी जी के मूल्यों और दर्शन का प्रतीक है। कभी ये आश्रम 120 एकड़ के विस्तार में फैला हुआ था। यहाँ की 63 इमारतें गांधी जी के जीवन आदर्शों से सजी थीं। लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरा, ये आश्रम मात्र 5 एकड़ में सिमट कर रह गया। सिर्फ 3 इमारतें ही पर्यटकों के लिए खुली रही, शेष या तो समय के साथ नहीं रही या फिर व्यस्त आश्रम रोड के दूसरी ओर स्थित रही। फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गांधी जी के स्मृति स्थल के जीर्णोद्धार का संकल्प लिया। इस तरह शुरू होने जा रहा है गांधी आश्रम को उसके मूल रूप में लाने का कार्य। आश्रम रोड का मार्ग परिवर्तन करके आश्रम का विस्तार इस तरह से तय किया कि गांधी जी के समय बनी इमारतों को शामिल किया जा सके। विभिन्न ट्रस्टों के माध्यम से परिसर में रहने वाले आश्रम वासियों को घर अथवा उपयुक्त प्रतिकर दिए गए। आश्रम के मास्टर प्लान में मौजूदा 5 एकड़ का विस्तार 55 एकड़ तक किया जाएगा। 36 इमारतों का जीर्णोद्धार होगा। मौजूदा इमारतों में इंटरैक्टिव एग्जिबिट और एक्टिविटीज के द्वारा गांधी जी के जीवन के पहलुओं और आश्रम की विरासत के बारे में भी बताया जाएगा। इसके अलावा यहां आने वाले हर एक विजिटर का अनुभव हो अद्भुत, इसलिए आश्रम को एक विश्व स्तरीय मेमोरियल की तरह विकसित किया जाएगा। ओरिएंटेशन सेंटर, चरखा कताई, हाथ से कागज तैयार करना, सूत कताई जैसी एक्टिविटीज लोगों के चरित्र निर्माण में भूमिका निभाएंगी और होंगी लोगों के लिए सुविधाएं। साथ ही साथ आश्रम परिसर को हरियाली से आच्छादित किया जाएगा ताकि यहां आने वाले विजिटर्स एक शांत वातावरण में गांधी जी की शिक्षाओं को आत्मसात कर सकें। महात्मा गांधी परिवर्तन लाए, ये सर्वविदित है कि उन्होंने लोगों की आंतरिक शक्ति को जगाकर उन्हें स्वयं परिवर्तन लाने के लिए जागृत किया, प्रेरित किया। मास्टर प्लान के तहत आश्रम तक पहुंचने के मार्ग को भी बदला जाएगा और ऐतिहासिक दांडी पुल का जीर्णोद्धार भी किया जाना है। यह प्रोजेक्ट भारत सरकार द्वारा फंड किया जाएगा, साथ ही ट्रस्ट और आश्रम वासियों के सहयोग से यह होगा परिपूर्ण। गांधी जी की कर्मभूमि की मूल स्वरूप में पुनर्स्थापना उनके मूल्यों और दर्शन को जीवंत रखेगी और आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित करती रहेगी।